हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग के सामने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 10 का एसिड बेस सॉल्ट चल रहा है, ठीक है ना, जो CBSE मीडियम और इम्पोर्टेंट मार्क क्लास 6 से 12 तक। यहाँ आपको साइंस सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री माइंड और 11-12 का स्पेशल मैथ मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखिए एसिड बेस सॉल्ट है। इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा, नए है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहता है एसिड क्या है, टेस्ट एसिड। एसिड देखो, एसिड मतलब होता है एक तरह से सावर, माने खट्टा, मतलब आप उसको टेस्ट कीजिएगा तो सावर सौर लगेगा, ठीक है ना, सावर लगेगा माने खट्टा लगेगा, ठीक है ना, उसी टाइप से है। टेस्ट सौर, सौर एसिड बोलते हैं। चेंज ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है, ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पत्र को जो भी माने पेज एगो रहता है, जैसे एक लिटमस का पेपर रहता है, ठीक है ना, तो दो रंग का रहता है, एक ब्लू होता है एक रेड होता है, ठीक है ना। तो अगर उसको एसिड में रख दिया जाए, जैसे मतलब आज नींबू ले लिया जाए, हम नींबू फल ले लिया जाए, और रेड को ये क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। ब्लू ले लो, पेपर ब्लू रहना चाहिए, उस पर रखेगा तो वो नील रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ लेना अब एसिड है, ठीक है ना, रिएक्ट करता है। और कहता है एंड रिएक्ट विथ मेटल, अगर कोई एसिड है तो मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस देगा, ठीक है ना। अब कहता है डोनेट H प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही, H प्लस आयन को डोनेट करेगा, H प्लस आयन आपको देगा। जैसे अब पीएच वैल्यू इसको लेस देन 7 रहेगा, पीएच वैल्यू इसका 7 से कम रहेगा, तो 3-4 चीज है आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, इसका डिफिनेशन बस यही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। डिफिनेशन में आपको जो इसमें अच्छा लगेगा ज्यादा लिख देना। अब कहा था जैसे मैंने आपको एग्जांपल कुछ HCl दिया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो HCl हो गया तो H प्लस दिया, Cl टूटेगा तो H प्लस जाएगा, Cl माइनस देगा, देखो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। उसी प्रकार H2SO4 है, ये भी टूटेगा तो 2H+SO4 माइनस देगा, इस टाइप से आपको एसिड H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। बेस क्या है, टेस्ट बीटर, कड़वा लगेगा, जिसे मैंने आप बेस खाइएगा, मैंने बेस है उसको आप टेस्ट कीजिएगा तो उसको कड़वा लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, जैसे आंवला आंवला होता है तो कड़वा लगता है ना, कभी देखता होगा, खट्टा तो है लेकिन बस कड़वा लगता है। तो कहता है चेंज रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है, इसमें रेड टू ब्लू होता है, रेड टू ब्लू होता है, याद रखना बेस है तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा, एसिड है टू ब्लू टू रेड हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवे डोनेट OH माइनस आयन देगा, OH माइनस डोनेट करेगा, ठीक है ना। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा हो गया तो समझ लेना क्या है, बेस है, ठीक है, 7 से ज्यादा हो गया तो बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहता है अमोनिया, जैसे अमोनिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब हो जाएगा, NH3 बेकिंग सोडा क्या होता है, जो भी हो जाए। NaOH को देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, NaOH Na प्लस OH माइनस, देखो OH माइनस हमको दे रहा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा, Ca2 प्लस OH 2 OH माइनस दे रहा है, तो इस टाइप से हमको OH माइनस दे रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से एसिड और बेस का कुछ डिफिनेशन था, ठीक है ना। आगे चलते हैं सॉल्ट, देखिए यहाँ पर सॉल्ट क्या है, एसिड बता दिया, बेस बता दिया, सॉल्ट आप जान लें, सॉल्ट सॉल्ट माने ऐसे तो नमक जानते हैं जो हम लोग खाते हैं, तो नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें सोडियम क्या है, प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, यानी इसमें दो आयन होता है। तो दिस रिएक्शन दिस केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन आयोनिक असेंबली, कहता है एक आयोनिक असेंबली होता है, माने आयन बनता है, माने दोनों आयन मिलकर एक सॉल्ट का निर्माण करता है, ठीक है ना, विच जिसके बाद केटायन होगा और एनायन होगा, केटायन और एनायन, केटायन प्लस होता है, एनायन माइनस होता है, प्लस हो गया, एनायन माइनस हो गया, ये दोनों मिलकर फॉर्म करता है। दिस प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये जो प्रोडक्ट होता है न्यूट्रल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, टूट जाएगा Na प्लस Cl, इसको में अगर करंट देगा तो टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, लेकिन ये समझना कि डायरेक्टली सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, ये आपको आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो Na प्लस Cl माइनस देगा। तो हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि केटायन और एनायन से मिलकर सॉल्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में होता है कि जब एसिड और बेस
और यानी अल्कली, एसिड और अल्कली दोनों मिलकर सॉल्ट और प्लस वाटर देगा, सॉल्ट देगा और उसके साथ आपको वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो दिस केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कली, एसिड और अल्कली, एसिड और अल्कली इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और अल्कली दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है ना, उसका पीएच मान 7 होता है। न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजेशन में जो भी सॉल्ट बनेगा इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका होता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, एसिड और बेस। अब इसको मैं अल्कलीज क्या है, अल्कलीज बताते हैं। देखो यहाँ पर अल्कलीज टू गिव ओएच माइनस, जैसे ये बेस था उसी टाइप से अल्कली था, लेकिन थोड़ा सा इस टाइप में है कि इसको वाटर में सोल्यूबल कीजिएगा तब जाके ओएच माइनस जाएगा, ठीक है ना। जैसे एन ओएच को तोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक दिया, यहाँ एच टू ओ सोल्यूशन में डाला तो एन प्लस ओएच माइनस दिया, ठीक है ना, इस टाइप से। चलिए इंडिकेटर क्या है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक बेसिक मीडियम। कहता है इंडिकेटर क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसको अगर एसिड मीडियम में डाल दिया जाए तो अपना कलर चेंज कर देगा, या बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए तो भी कलर चेंज कर देगा। तो इस टाइप से वो कलर चेंजेज बता रहा है, ठीक है ना, कि कौन सा सब्सटेंस है, किसको हम माने कौन सा मीडियम में हम डाल रहे हैं तो किस टाइप से वो कलर दे रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से जैसे मान लिया ब्लू को डाल दिया एसिड में तो रेड दे देगा, और बेस और रेड को डाल दिया बेस में तो क्या दे देगा भाई, ब्लू दे देगा। तो इस टाइप से पीएच स्केल क्या है, इससे हम मेजर करते हैं एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है ना। पीएच स्केल एक स्केल है जिससे हम लोग मापते हैं, क्या मापते हैं कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब एसिडिक के रहेगा तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच क्या है जो बताते हैं, बेसिक पीएच 7 से ज्यादा होगा, सॉरी एसिड है जो पीएच 7 से कम होगा, एसिड में जो एसिडिक होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, उसका पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिक है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, न्यूट्रल के लिए इक्वल होगा, ठीक है ना। तो पीएच स्केल हो गया, पीएच क्या है, पीएच स्केल और पीएच दोनों से ठीक है बताते हैं, ठीक है आगे बताते हैं। देखो यहाँ पर पीएच क्या, कोई कहेगा कि मान लिया पीएच है क्या, पीएच स्केल तो जान गया, ये तो पीएच स्केल है, ये क्या है पीएच स्केल, ये हो गया पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच क्या है भाई, पीएच क्या होता है, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियो होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। पोटेंशियो ऑफ यानी पोटेंशियल एक तरह से होता है, पोटेंशियल माने हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक, हाइड्रोजन की मात्रा वही होता है पोटेंशियल। तो देखो अगर एच प्लस ओ एच माइनस, एच प्लस कौन देगा एसिड और ओ एच माइनस कौन देगा बेस, दोनों को मिला के 14 आवेगा, ये ओके, ये सब याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट चीज। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्केल है यहाँ पर 0 से 14 तक, यहाँ इस पर जो भी पॉइंट आवेगा 0 से 14 तक होगा, और उसमें 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 है, अब इधर एसिड है इधर बेस है, तो दोनों बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर इसको लिख सकते हैं 10^0, 10^-1, 10^-2, 10^-3, इस टाइप से सब लिखा जाएगा, 10^-7, 10^-, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसी टाइप से, ठीक है ना। तो फिर अंत में जाके आएगा यहाँ पर जाएगा -14, -1 प्लस हो जाएगा तब 14 हो जाएगा, तो इस टाइप से हम लोग पुट करते हैं। तो 0 से 1, 2, 3, 14, इधर इंक्रीज करेगा एसिड, इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, यहाँ से इधर बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब समझो एसिड अगर जो 7 के जो नजदीक में है ज्यादा, माने 8, 9, 10 तक लगभग, इधर हो जाएगा 6, 5, 4 तक, मान लिया जाए यहाँ पर इधर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो मतलब न्यूट्रल जो 7 के नजदीक में है, जो 7 के यानी 7 के जो नियरेस्ट पॉइंट में है, जो जितना नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ज्यादा दूर हो जाएगा वो उतना वीक एसिड और वीक बेस होगा, समझ गया ना। एसिड और बेस तो ठीक है, बस स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। अब रहा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएगा HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HiSClO4, HClO3, इस टाइप से आपका कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। जो H प्लस आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो H प्लस आयन ज्यादा हमको देता है, यानी इसको मात्रा ज्यादा रहता है, मैंने स्ट्रॉन्ग हुआ कि मैंने ज्यादा से ज्यादा हमको डोनेट करेगा, ठीक है ना। वीक एसिड में हो गया जाके जो कम से कम डोनेट करेगा,
तो ऑक्जेलिक एसिड H2SO3 H3PO4 HNO3 H2HF HCO2 इस टाइप से होता है, ठीक है ना। अब बताते हैं बेसिक। बेसिक में भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग वीक बेस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, NOH, KOH, COH12, SROH12, BOH12, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। वीक बेस में NH3, CH3 होल टू, NaCl3, NH2, ये सब आ जाएगा आपको वीक बेस। सम भाई पीएच वैल्यू ऑफ मैटर, कुछ पदार्थ है आपके पास जिसका कुछ पीएच वैल्यू है। देखिए बैटरी एसिड 0 होगा, स्टोमच एसिड 1 हो जाएगा, स्टोमच एसिड में HCl होता है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। स्टोमच एसिड उसको बोलते हैं HCl हो जाएगा, ठीक है ना, HCl पाया जाता है। लेमन जूस विनेगर में 2, ऑरेंज जूस में 3, टोमेटो जूस में 4, ब्लैक कॉफी में 5, सेलिवा मिल्क 6, प्योर वाटर 7, सी वाटर 8, बेकिंग सोडा 9, एंटी एसिड 10 और 11, 10 और 11, एंटी एसिड 10 और 11, 10 और कॉमन 11, माने 10 और 11 हुआ, ठीक है ना। और सॉपी वाटर 12, इस टाइप से कुछ पीएच वैल्यू होता है, ये सब कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर न्यूट्रली एसिड सोर्स, माने कुछ सोर्स है जहां से हमको एसिड मिलता है, ठीक है ना। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में, माने टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, फिर टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, मिल्क यानी कर्ड जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, और एंट स्ट्रिंग माने जो चींटी होता है उसके स्ट्रिंग में होता है मेथनोइक, नेटल स्ट्रिंग में जैसे जो बिढ़नी उड़नी इस टाइप से होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू डंक में फॉर्मिक एसिड, और बी स्ट्रिंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। इसके बाद आपको अगले पार्ट टू में बता देंगे, आपको रिएक्शन बता देंगे एसिड बेस सॉल्ट ये सब किस किस से रिएक्शन करके क्या चीज बनावेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको बेसिक था जो आपको नॉलेज में रखना है, ठीक है ना। इस तरह से यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और दोस्त को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।